आपने फिल्मों में, स्टोरीज में या फिर किसी बुक्स में एलियंस को तो देखा ही होगा, और अगर देखा ना हो तो उनके बारे में सुना तो जरूर होगा। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आप सभी को हैरान कर देगा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एलियंस को असली में सामने से देखा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस को लेकर आए दिन चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। कोई इन्हें देखने की बात करता है तो कोई कहता है कि उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। जनजाति के लोगों के एक समूह को खुद पर हमला होने का डर है और वो अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार इनका कहना है कि भयानक दिखने वाले इन एलियंस की आँखों का रंग पीला है, लंबाई 7 फुट है। मामला पेरू के उत्तर पूर्व में स्थित आल्टो नाने जिले में रहने वाली इकुती जनजाति का है। इन्होंने एलियंस को लॉस पैराकार्ड्स यानी फेस पिलर्स नाम दिया है। इनका कहना है कि कुछ समय से गहरे रंग की हुड्डी पहनकर आने वाले एलियंस इन पर हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चेहरे को खा लेंगे। करीब एक महीने पहले 11 जुलाई को उस अजीब प्रजाति को पहली बार देखा गया था। तभी से एक 15 साल की लड़की अस्पताल में भर्ती है, उसने एलियंस को देखा था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये जीव तारों के दूसरे पार से ही आए हैं यानी एलियंस हैं या फिर कोई और। वहीं इस समुदाय के नेता जायरो रेतेगुई डेविला ने कहा, संघर्ष के दौरान उन्होंने उस लड़की की गर्दन का हिस्सा काट दिया था। समुदाय के नेता डेविला ने कहा कि उनका फेस पिलर से आमना सामना हुआ है। उन्होंने बताया कि इनके जूते गोलाकार के हैं जिनका इस्तेमाल वे हवा में तैरने के लिए किया करते हैं। इनके सिर बड़े आकार के हैं और ये एलियंस हैं। उन्होंने कहा कि ये मास्क पहनते हैं, इनकी आंखों का रंग पीला है, इन्हें बच निकलने में महारत हासिल है। हम लगभग आमने सामने से मिले हैं। मैंने उसके पूरे शरीर को 1 मीटर की ऊंचाई पर तैरते हुए देखा है। आदिवासियों के इस बयान के बाद इसकी छानबीन की जा रही है। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा रहा है। बहरहाल आपको इस खबर पर क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।